इसीलिए संसार में हर व्यक्ति सेवा कर रहा है ना। प्रभुपाद जी जनरली कहते हैं, इफ यू डोंट सर्व गॉड वी विल सर्व डॉग, राइट है ना। भगवान का सेवा हम नहीं करेंगे तो कुत्ते बिल्ली का सेवा करेंगे। किसका घर पे कुत्ता है, रेज योर हैंड, यहाँ पे कोई है किसके घर पे कुत्ता है? नहीं। तो आप कहेंगे कुत्ता का नेचर कैसा है? प्रभुपाद जी कहते हैं कुत्ता का यूरिन पॉइजन है, कुत्ता का सलाइवा पॉइजन है, कुत्ता का स्टूल पॉइजन है, कुत्ता का बॉडी पॉइजनस है। लेकिन लोग क्या करते हैं, कुत्ता का सेवा करते हैं, उसको स्नान करवाते हैं, अभिषेक, कुत्ता अभिषेक, ठीक है नहीं, उसको यूरिन कराने के लिए सुबह सुबह डॉग वॉकिंग, मॉर्निंग वॉकिंग नहीं हो क्या है, डॉग वॉकिंग, कुत्ते के साथ जाते हैं। और एक नंबर जाता है, दो नंबर जाता है, तो लोग क्या करते हैं, वेट करके दर्शन लेते हैं, ओके, और उनको मजा आता है उसमें। लेकिन उनको कहा जाएगा कि भगवान के पास आइए, थोड़ा अभिषेक कीजिए, फ्लावर ऑफरिंग कीजिए, नहीं करेंगे, टाइम नहीं। और कुत्ते को नहलाते हैं, उसके बाद क्या स्नो पाउडर भी लगाते, इस प्रकार किया जाता है। तो भारत का कुत्ते को उतना ध्यान नहीं देते हैं लोग, बट बड़े बड़े लोग ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका में कुत्ते को स्पेशल ध्यान दिया जाता है, कुत्ते के नाम पे BMW कार भी देता है, बैंक अकाउंट भी देता है, विवाह भी होता है, फैशन शो भी कुत्ते का होता है। ये जनरल अमेरिकन लाइफ स्टाइल। और अमेरिका में कुत्ते को लिया जाता है रास्ते पे, मान लो कुत्ता दो नंबर कर दिया, तो मालिक क्या करता है, उस दो नंबर को एक थैली में भरता है और अपना पॉकेट में रखता है, घर पे लेके फेंकेगा या वो फोर की तरफ फेंकेगा, इसे रास्ता में कुत्ते का दो नंबर को छोड़ नहीं सकता। तो कितना केयर करते हैं, तो आप सोचिए नेचुरल है, आपको सेवा करना ही है। आप भगवान का सेवा नहीं करेंगे तो नेचुरल किसका सेवा करना पड़ता है, कुत्ते का सेवा करना पड़ता है। इफ यू डोंट वर्शिप गॉड वी हैव टू वर्शिप डॉग, क्योंकि आपका वो मेंटेलिटी है, छोड़ नहीं सकते हैं सेवा की भाव, छोड़ नहीं सकते, ये हमारा नेचर है। इसीलिए कुत्ता का सेवा करने से अच्छा भगवान की सेवा करना चाहिए, वैष्णव की सेवा करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। इससे भगवान क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जनरल स्टीव जॉब जो कि एप्पल कंपनी का मालिक, वो कहते थे कि संसार में बहुत धन मैंने कमाया, मैंने गरीबी भी देखा और मैं अमीरी भी देखा, लेकिन एक रियलाइजेशन मुझे हुआ कि सेटिस्फेक्शन के लिए त्याग की भावना होना चाहिए, रिनंसिएशन की भावना होना चाहिए, निस्वार्थ पर की भावना होना चाहिए, तभी जनरली व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन मिलता है। और कंप्लीट सेटिस्फेक्शन वो व्यक्ति को मिलता है जो भगवान की सेवा में लिप्त रहता है।